नाका लगाने पर पुलिस कर्मचारियों को लोगों ने खूब खरी खोटी सुनाई। लोगों के पीछा छुड़ाकर भागे पुलिसकर्मी, वीडियो बनाकर किया वायरल। तरनतारन के बाढ़ रोड पर गांव पंडोरी गोला के समीप एक पुल के नीचे तरनतारन की ट्रैफिक पुलिस को उस समय महंगा पड़ गया जब गांव वासियों ने बिना वजह से प्रतिदिन लगने वाले इस नाके को जमकर विरोध किया। गांव वासियों ने ट्रैफिक पुलिस कर्मचारियों से पूछा कि वे किस आधार पर नाका लगा रहे हैं। गांव वासियों ने ट्रैफिक पुलिस कर्मचारी को खूब खरी खोटी सुनाई व उसका वीडियो बनाकर वायरल कर दिया। वायरल वीडियो में साफ देखा जा रहा है कि ट्रैफिक पुलिस कर्मचारी गांव वासियों से अपना पीछा छुड़ाकर वहां से भाग रहे हैं। इतने में गांव का एक युवक पुलिस की जीप में बोनेट पर चढ़ जाता है, जो कि सूत्रों के अनुसार लगभग 1 किलोमीटर तक आगे जाकर बोनेट से नीचे गिरकर जख्मी हो गया। नाका बन रहा है, नाका बन रहा है, देर पे नाका बन रहा है, कोई गाली चले आगे, चलो मगर चलो नाका बन, चल मगर नाका बन रहा मगर स्कूटर कोई गल की समाल पा देंगे। वायरल हुई वीडियो की बाबत में अपनी सफाई देते हुए ट्रैफिक पुलिस के एएसआई जगतार सिंह ने कहा कि वे बाढ़ रोड पर गांव पंडोरी गोला के समीप किसी जख्मी व्यक्ति की सहायता करने गए थे। उन्होंने गांव वासियों के नाका लगाने के आरोप को सिरे से नकार दिया। बोनट पर बैठे व्यक्ति के बारे में एएसआई ने कहा कि व्यक्ति उनकी जीप को रोकने का प्रयास कर रहा था। सवाल ये है कि अगर वह जीप को रोकने की कोशिश कर रहा था तो पुलिस जीप को रोककर उसे हटा सकती थी, ना कि गाड़ी को दौड़ाकर उसे मारने की कोशिश की गई। इस संबंध में एसपी तिलक राज ने कहा कि गांव वासियों द्वारा ट्रैफिक पुलिस कर्मचारियों का विरोध करने की वायरल वीडियो उन्हें मिल गई है। मामले की जांच के बाद जो भी आरोपी पाया गया उस पर कार्रवाई की जाएगी। बाकी